Assalamu alaikum, my dear YouTubers. So today is day 17th. Alhamdulillah, मैं अभी तक चलता जा रहा हूँ. आपको मजे की बात बताऊं, सबसे मुश्किल काम पता है क्या होता है? कि एक लेवल पे आके ना आप थोड़ा सा टायर्ड हो जाते हैं कि 17 दिन करने के बाद भी आप नीचे मुंह करके देखें पेट फिर निकला हुआ है तो आप कहते हैं यार नहीं जाना, डिसहार्ट हो जाते हैं आप. लेकिन मैं इस दफ़ा जो पहली दफ़ा सीख रहा हूँ ये है कि उसके बावजूद भी जहन में ये रखना कि नहीं, जो आज का काम है वो मैंने करना है. ठीक है, आज का जो काम है वो मैंने करना है. तो दो चीज़ें को फोकस करने की ज़रूरत पड़ रही है मुझे आजकल. एक है कि खाना, ठीक है, और दूसरा है कि मैं वर्कआउट करूँ. तो हालांकि दिन को आज भी थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था बट लेकिन मैंने खाने में कुछ झोल नहीं डाला. ठीक है, और शाम को मैं आज मेरा दिल नहीं कर रहा था एक्सरसाइज करने को, तो मैं सोच रहा था स्किप कर दूँ. फिर लेकिन फिर मैं अपने सप्लीमेंट्स ले लिए, थोड़ी सी एनर्जी हुई, फिर मैं उठ गया और थोड़ी सी मैंने ट्रेडमिल पे चला तो अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया. अच्छा, आज मैं कर रहा हूँ डेडलिफ्ट. ठीक है, डेडलिफ्ट और साथ में कर रहा हूँ क्या बोलते हैं इसको, शोल्डर्स. डेडलिफ्ट एंड शोल्डर्स. ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा, मैं जो इस दफा जो चीज सीख रहा हूँ ना वो ये है कि एक्सरसाइज आप कितनी करें, मतलब अगर आज मैं एक्सरसाइज ना करता और मैं खाना खा लेता कोई उल्टी पुल्टी चीज, मैं फिर 3-4 दिन पीछे चला गया. फिर मैं अगर कल सुबह अपने आप को देखूंगा ना, फिर मेरी हिम्मत टूट जाएगी. ठीक है, फिर मेरी हिम्मत टूट जाएगी, मैं कहूंगा यार अब वो मेरा उसी एक पे फंसा रहा हूँ मैं. लेकिन कुछ ना कुछ कर लें आज, तो ताकि कल सुबह जब मैं इंशाल्लाह उठूं तो मुझे कुछ इंप्रूवमेंट नजर आए तो मेरा हौसला और बढ़ेगा और मैं चलता जाऊंगा. अच्छा, अभी देखो मैं बेल्ट नहीं पहन रहा, अभी बिल्कुल नहीं पहन रहा. इतने ज्यादा मास्क के साथ बेल्ट मुझे एक्सरसाइज में तंग कर रही है, मुझे तो हेल्प नहीं करती है. मेरी मूवमेंट जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, बेल्ट मुझे ऊपर नीचे ऐसे तंग करती है, यहाँ कुछ ऐसे बाइट होती है. मेरे ख्याल से तो आपको भी बेल्ट नहीं पहननी चाहिए. पता नहीं कि क्यों पहनते हैं इतनी तेज से जल्दी जल्दी. देखिए 15 दिन में मुझे पता है मेरी बॉडी वाइज, मतलब अच्छी की पेट निकला हुआ तो पेट मेरा अंदर तो जाने लगा नहीं है, ये तो 3-4 महीने तक शायद ना जाए. लेकिन मुझे इतना पता चल रहा है इम्प्रूवमेंट आ रही है. ठीक है, तो स्लो वेट के साथ मैं करता जाऊँ वो सबसे बेस्ट है मेरे लिए काम कर रहा. जैसे आज है ना, आज मैं शायद ज्यादा ना करूँ, 1-2 सेट आउट करूँ. वॉक मैंने 30 मिनट्स की है, 300 कैलोरी लूज किए, फिर भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ. तो कल सुबह जब उठूंगा डेफिनेटली चाहे 1 इंच ही आगे बढ़ाऊंगा, पीछे नहीं जाना. बस ये चीज है, पीछे ना जाए, एक कदम आगे जाए. Shh.
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करते हैं आगे यार, आपको क्या जाना कर दिया करें शेयर। मैं एक्चुअली ऑनेस्ट आपको सच्ची बता रहा हूँ, मैं अपनी ये जर्नी शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए मैं तो कोई फिल्म स्टार बिल्कुल नॉर्मल इंसान हूँ, तो मेरी जो जर्नी है ना वो मुझे ऐसा लगता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। देखिए मैं तो अकेला हूँ, तो मेरे पीछे तो कोई ना ट्रेनर है ना कुछ है, और यही आपके साथ भी होगा। तो मेरे फेल होने से बचने के जो जो तरीके मैं अपना रहा हूँ वो है सहूलतें जो आपके पास है, तो ज़रूर शेयर करें मेरी वीडियोस को। ये मैं करता जाऊंगा, मेरे ख्याल में इसके इस तरह के मैं 5 सर्किट्स और करूंगा, और ये होगी मेरी आज की एक्सरसाइज। आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक्सरसाइज करना बहुत बड़ी बात है। मैं तो ऑनेस्टली सोफे पे लेट गया हुआ था और आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद कर रहा था, अभी सो जाऊंगा। ऑफिस के बाद भी थोड़ी देर के लिए सो गया था, लेकिन आज पता नहीं बहुत ज़्यादा हो रही थी, ऐसे मैं देख रहा था ना पेट। ये चीज़ ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो असल चीज़ आपको रोकेगी ना वो ये चीज़ है कि 15 दिन बाद भी आप देखेंगे यार अभी भी पेट निकला हुआ है, ठीक है, लेकिन आप ये भूल गए हैं कि इस पेट को बनाया कितने दिनों में था। 15 दिनों में नहीं बनाया था, ये कम अज कम 8 महीने या साल की मेहनत है, ये पूरे का पूरा 8 महीने से साल की मेहनत है। कोरोना में रोज खाना, ठीक है, तो जो गंद साल का डाला है 15 दिन में तो नहीं जाएगा, ठीक है, तो जितनी पेशेंस से बढ़ाया था ना उसी पेशेंस से अंदर भी लेके जाना है, ठीक है। दुआ में याद रखें, सबसे प्यार करें, सबका भला सबकी खैर, अल्लाह हाफिज़।